दिस इज एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 क्लास 7। वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 1। दिस टेबल वी हैव टू कंप्लीट फर्स्ट। द इक्वेशन इज गिवन एंड देन वी हैव टू पुट वैल्यू हेयर। एक्स इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल 0, एक्स इक्वल -3। मीन्स ये जो वैल्यूज दी हुई है हम उनको पुट करेंगे वन बाई वन, और उसके बाद अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है देन वी विल राइट येस, अगर नहीं हो पाती है देन वी विल राइट नो। हेयर यू कैन सी दिस टेबल कंसिस्ट 11 11 इक्वेशंस एंड वी हैव टू पुट द गिवन वैल्यूज एंड देन वी हैव टू सी इज इट येस और नो। नाउ हेयर यू कैन सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस टेबल। एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम एक्स की जगह 3 रखेंगे तो 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, दैट्स वाई इट इज़ नो। इन सेकेंड पार्ट यू कैन सी इफ वी पुट एक्स इक्वल 0, सो 0 प्लस 3 इट इज़ 3, इट इज़ नॉट 0, सो दैट्स वाई इट इज़ अगेन नो। इन थर्ड पार्ट यू कैन सी इफ वी पुट एक्स इक्वल्स टू -3 देन इट विल -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई इट इज़ येस। नाउ इन फोर्थ पार्ट एक्स -7 इक्वल 1, हेयर यू विल पुट 7, दैट्स वाई 7 माइनस 7 होता है 0, 1 नहीं होता है, दैट्स वाई वी विल राइट हेयर नो। फिफ्थ पार्ट में एक्स इक्वल 8 लिखेंगे तो 8 माइनस 7 हो जाएगा 1, और हमें 1 ही आर एच एस भी है, हमारा राइट हैंड साइड है, दैट्स वाई वी विल राइट येस, इट इज़ द आंसर। सिक्स पार्ट 5x इक्वल 25, एक्स की जगह रखेंगे 5, सो एक्स की जगह यहाँ पर रखना है 6 में 0, सो 5 इंटू 0 होता है 0, 25 नहीं होता, दैट्स वाई नो। इन सेवेंथ पार्ट वी विल पुट एक्स इक्वल्स टू 5, सो 5 5 ज़ा 25, इसलिए हो जाएगा ये यस। सेवेंथ एट्थ पार्ट हेयर वी विल पुट एक्स इक्वल्स टू -5, तो ये -5 पुट करेंगे तो 5 इंटू -5 -25 हो जाएगा, जो कि 25 के इक्वल नहीं होगा, तो नो लिखेंगे। एम अपॉन 3 में एम की वैल्यू -6 लगाएंगे तो -2 हो जाएगा, जो कि नो होगा। एम की जगह अगर हम 0 पुट करेंगे तो 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट 2। अगर हम 6 लगाते हैं देन इट विल बी येस। सो हेयर यू के यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड देन राइट येस और नो इन द टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यू हैव टू पुट द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट एंड देन यू हैव टू राइट इज इट सॉल्यूशन और नॉट। एन प्लस 5 इज इक्वल टू 19, यहाँ पे एन की जगह हम 1 पुट करेंगे, तो जब हम एन प्लस 5 में 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 6 होता है, जो कि 19 के बराबर नहीं है, दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 19, सो हेयर वी विल राइट नो, एम एन इक्वल 1 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन बी पार्ट 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 19, यहाँ पे n की जगह हमें -2 लेना है, तो 7 इंटू -2 -14 प्लस 5 इट इज़ -9, सो हेयर इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन एज इट इज़ नॉट इक्वल। सी पार्ट में हमें n इक्वल 2 रखना है, वैन बी पुट n इज इक्वल टू 2, n इंटू 2 इज इक्वल टू 14, 14 प्लस 5 होता है 19, अब 19 ही आर एच एस भी है, दैट्स वाई 19 इज इक्वल टू 19, सो हेयर वी विल राइट येस, एन इज इक्वल टू 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इन डी पार्ट यू हैव टू पुट पी इज इक्वल टू 1, यहाँ पे पी जो है 4p है, तो 4 इंटू 1 4 हो गया, 4 माइनस 3 1, लाना था हमें 13, आया 1, दैट्स वाई इट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इन ई पार्ट यू हैव टू पुट पी इज इक्वल टू -4, पी की जगह -4 पुट करेंगे, सो 4 इंटू -4 -3, सो -16 -3 इज इक्वल टू -19। नाउ हेयर सी दैट ई पार्ट इज ऑल्सो नॉट द सॉल्यूशन। एफ पार्ट 4p -3 इज इक्वल टू 13, यहाँ पे पी इक्वल्स टू 0 लेना है हमें, सो 4p -3, सो 4 इंटू 0 0 -3 -3 इज इन नॉट इक्वल्स टू 13, तो 0 भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। नाउ इन थर्ड पार्ट सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एरर मेथड क्या होता है, इसमें हम वन बाई वन वैल्यू पुट करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, पहले 0 देन 1 देन 2 देन 3, तो जो भी वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी दैट इज़ कॉल्ड द इक्वेशन सॉल्यूशन। तो पहले हमने 5p प्लस 2 में लिखा 0, p इज इक्वल टू 0, देन आंसर इज 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 17, देन वी विल पुट लेट p इज इक्वल टू 1, जब हमने 1 पुट किया सो 5 इंटू 1 प्लस 2, 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7, नाउ इट इज़ अगेन नॉट इक्वल्स टू 17, सो p इज इक्वल टू 0 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। Then p equals to 2, we have put 5 into 2 plus 2, 10 plus 2 is equal to 12.
here by comparing LHS not equals to RHS, because 12 is not equals to 17. Then we have put P is equal to 3. So 5 into 3 plus 2, 15 plus 2 is equal to 17. Now here you can see 17 is equal to 17, means P is equal to 3 is the solution of the equation. In second part you can see 3m minus 14, इसमें भी हम वैल्यू पुट करेंगे. यहाँ पे हमने वैल्यू 3 से स्टार्ट की है, 3 पुट किया पहले, 3 3 इज़ 9, 9 माइनस 14, देन वी हैव पुट 4, देन वी गॉट माइनस 2, देन वी हैव पुट 5, देन वी गेट 1, देन वी पुट 6, देन वी गेट 4. नाउ यू हैव टू सी, 3 पुट किया नहीं आया, 4 देन नहीं, 5 नो, 6 यस. हमने 6 पुट किया है, देन इट इज़ 4 एंड द राइट हैंड साइड इज़ ऑल्सो 4. Now this value is satisfying, so that's why we will write m is equal to 6 is the solution of the equation. Now write equation for the following statements. ये statement दिए हैं कि लिए हमें equation लिखनी है. The sum of number x and 4 is 9. So we will write x plus 4 is equal to 9. 2 subtracted from y is 8, so we will write y minus 2 is equal to 8. 10 times a is 70, so we will write 10a equals 70. The number b divided by 5 gives 6, so we will write b upon 5 is equal to 6. 3 fourth of t is equal to 15, so we will write 3t upon 4 is equal to 15. 7 times m plus 7 gets you 77, then we will write 7m plus 7 is equal to 77. 1 fourth of x minus 4 gives 4, so we will write x upon 4 minus 4 is equal to 4. If you take away 6 from 6 times y, you get 60, so we will write 6y minus 6 equals to 60. If you add 3 to 1 third of z, you will get 30. So 3 plus z upon 3 is equal to 30. Now in this equation, you have to write a statement. पहले हमने statements equation लिखी है. Now here we will write equation to statement. So p plus 4 equals 15, we can write the sum of p and 4 is 15. m minus 7 equals 3, we can write 7 subtracted from m is 3. 2m equals 7, we can write twice of number m is 7. m upon 5 equals 3, we can write m divided by 3 gives 3. 3m upon 5 equals 6, we can write 3 fifth of m is 6. 3p plus 4 equals 25, we can say 3 times p plus 4 gives you 27. 4p minus 2 equal 18, we can write 4 times p minus 2 gives you 18. P upon 2 plus 2 equal 8, we can write half of number p added to 2 equals to 8. Now here you have to set up an equation for the following cases. Like Irfan said that he has 7 marbles more than 5 times. Irfan said he has 7 marbles more than 5 times the marble Parmeet has. Irfan has 37. तो उसमें कह रहे हैं Parmeet से 5 times से 7 ज़्यादा है. So here we have taken let Parmeet has m marbles और Irfan has 7 more marbles. So that's why Irfan will have 5 multiply number of Parmeet marble plus 7. So 5m plus 7 is equal to 37. This will be the equation. Lakshmi father age is 49 years, he is 4 years older than 3 times Lakshmi age. So here we have taken Lakshmi age as y. So Lakshmi age is y, Lakshmi father is 4 years older than 3 times. So he will be 3y plus 4 or and second he is 49 years old. So we will write 3y plus 4 is equal to 49. In question number 3, the teacher tell the class the highest mark obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. So here we will write lowest marks be L, so 2L plus 7 equals to 87. In an isosceles triangle, everybody knows isosceles triangle has two angles equal. Vertex angle jo hai wo twice hai base angles ke, base angles equal hote hai. So here we have taken base angle as B and vertex angle is twice of base angle, that's why it is 2b. So here you can see b plus 3b, kyunki tino angles ka sum hota hai 180 degree. The sum of all three angles of a triangle is 180 degree, that's why 4b is equal to 180 degree. This is the equation.